ये ले। क्या है ये? पकड़ तो सही। बिंदी लिपस्टिक कंगा नेल पॉलिश तेल की शीशी और क्या कहते हैं इसमें फेस पाउडर रूज का ब्रश ग्लिटर शाइनर और आंखों का वो क्या कहते हैं कौन सा शेडो आई शेडो और पलक। तुम क्यों लेके आए हो लेकिन ये सारा सामान? तेरे लिए। लेकिन मैंने मंगाया थोड़ी नहीं था। अरे तो मैं अपने मन से लाया हूँ, सपने सजाए मैंने तेरे लिए। लेकिन तुम क्यों लेके आए हो? तो मेरे पति लेके आते। अरे तो सोच ले पति हूँ, मतलब क्या? कहने का मतलब ये मैं तेरे पति का बाप हूँ तो डबल पति हुआ ना। डबल पति? और क्या, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या? ना ना, पागल वागल हो गए हो क्या? ना ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिमाग यहाँ ना दी गया तुम्हारा। यही है, देख कितना कितना अच्छा सामान है इसमें, तू देख तो सही। निखार तुम्हारा, तेरे लिए रूमाल तक लाया हूँ मुँह पहुँचने के लिए, आंसू पहुँचू इससे। रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और पकड़ो ये सामान, जहाँ से लेके आयो वहीं दे के आओ, जाओ इसे। अरे रख ले, बहुत प्यार से लाया, कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ। ये पति का हक है मेरा, ये मेरा पति ला के देगा। रख ले, रख ले। मैं नहीं रख रही। बहू नहीं है, कैसे बहू? मेरे हाथ मत लगा, छुओ मत मुझे। तुम्हारे तो हाथों में भी छूने में भी घिन आती है। रख ले, मैं जब कह रही हूँ ले जाओ यहाँ से। ये मेरे पति का हक है, ये मेरा पति लेके आता, समझ में आ गई ना? निकलो यहाँ से, जाओ। नहीं सामान मतलब नहीं ले रही। मान जा, नहीं मान ले मेरी बात आसानी से, नहीं तो क्या फायदा, पछताना पड़े तुझे। तुम मेरी बात मान लो वरना तुम्हें पछताना पड़े। बताएगा वक्त बताएगा, ठीक है ना? रोटियों में क्यों खलल पड़वाना चाह रहे हो अपनी में? हाँ जी, राम राम साहब जी। राम राम। एक बात बताओ तुम जी। हैं जी? नहीं, तुम बच्ची हो कौन हो ये बताओ। नहीं बड़ी तो हूँ। बड़ी हो पर बड़े जैसे गुण नहीं है। क्यों? एक बात बताओ, तुमने हमारे घूरे पर तुमने अपना कूड़ा करकट डाल दिया, तुम्हारा घूरा हमारे घूरे से नीचे है, दिख नहीं रहा तुम्हें? मुझे सच में पता नहीं था। सच में नहीं, ये बात मत बनाया करो भाई सामने। मुझे कसम से पता नहीं था। अरे पता नहीं था क्यों नहीं पता था? एक तो नीचे आवाज में बात करो तुम। क्या? नीचे आवाज में बात करो। हमारी आवाज ऐसी ऊंची है। देखो ऐसी हालत में ज्यादा बाहर नहीं डोलना चाहिए। क्या हालत में? मुझे पता है कि तुम पागल खाने से आए हो, है ना? तो कभी भी किसी पागल मतलब पागल कुत्ते की तरह घूमते हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, हम पागल खाने जाए? मुझे पता है तुम बरेली से आए हो, तुम्हारे इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया क्या? ओ, किसने कहा तुमसे? अरे मेरे ससुर जी बता रहे थे। ससुर जी? हाँ। ओहो, सौ चूहे खा के मिलौटा हज को चला है ना? चुप, बता रहा हूँ मैं, फिस कर रही हो। एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ कि तुम्हारे जो ससुर साहब हैं उन्होंने जो है मतलब सबरे काम करने के बाद में लड्डू खिला रहे हैं? नहीं है? वो तुम्हारे बारे में बता रहे थे। मेरी बात सुनो पहले। एक तो वो पहले से छेल छबीले हैं। कितने दिन रहे थे बरेली में? मैं बिल्कुल नहीं गया बरेली, इस गांव का जन्म है, अभी पढ़ रहा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, ये समझ लो 15 साल की उम्र है मेरी। 15? हाँ। मुझे तो 90 के लगते हो। 90 के लिए क्या कांटी पे कस के जाऊंगा मैं? कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8वीं में पढ़ रहा हूँ मैं। 8 का पढ़ा सुनो ना। मुझे नहीं आता ऐसा है। सुनो पहले मेरी बात, तुमने जैसी बातें की ना कि मैं पागल हूँ, ये हूँ ये हूँ, ऐसा है तुम अपने ससुर की अब करामत सुनो मेरे मुँह से। सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें जी। तुम्हारे ससुर साहब छेल छबीले और तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रहना बच के जी, क्योंकि तुम सीधी शादी और तुम्हारा पति तो रहता नहीं यहाँ पे जी, जी। वो तो बाहर चला गया जी। और जरा कहाँ भेज दिया वो, उसकी नहीं पता है। अच्छा, देव और देवर, देवर कहाँ रहता था? देवर तो बाहर रहते हैं, खेत में ही रहता है। ठीक है, वो आता तो होगा नहीं, क्या आता? 3-4 दिन हो गए अभी तक तो आए नहीं, नहीं आए। वो आने नहीं देगा बुड्ढा, बुड्ढा नहीं आने देगा उसे। क्यों नहीं आने देगा? बुड्ढे को चाहिए रसक। क्या है कि वो तुम मिल गई हो उसे, तुम्हारा पति रहता नहीं है यार, वो तुमसे टंटवाजी कसता होगा बुड्ढा कि मैं अभी जवान हूँ गई हूँ, कसता है नहीं है ना? अब सुनो उसकी करतूत, ये समझ लो इसकी चमेली नाम की एक वो थी, वो क्या कहते हैं दोनों होते हैं, कौन होते हैं वो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गाली दे रही हूँ? अरे गाली नहीं दे रही, प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका। अच्छा, प्रेमी प्रेमिका। प्रेमी प्रेमी प्रेमिका। अच्छा, इन्होंने पूरी अपनी जमा पूंजी अब तक जो भी कमाई वो तो बूढ़ी हो गई तब जाके छोड़ दिया उसे, ये समझ लो कहेगा अपनी जमा पूंजी सब लुटा डाली इन्होंने उसमें। सच्ची सच्ची सही बता रहा हूँ। और सुनो, लुटा डाली प्लस उसे जूता चप्पल गाये, मतलब कोई पानी भर रही हो, भैया पानी कोई कुछ कर रही हो, उसकी तरफ नजर मारते हैं और लोग आगे मारते हैं। ठीक है, ये देखो जूते मारते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनसे बच के रहना, हमसे तुम मिल के रहना, हम तुम्हें बचा ले जाएंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे समझ लो एक तरीके के कुछ भी मान लो तुम। हवा में मेरे हमदर्द हो हमदर्द। अच्छा, तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया ना मैंने उस दिन देखा, वो ताऊ देना वो तो वो देखने नहीं देंगे, लेकिन तुम उठाओ चेहरा, घूंघट हम दिखाते हैं तुम्हें, चेहरा देखना दिखा देगा। हाँ ये भी बात सही करो, फिर पहचान कैसे, पहचान नहीं होगी, उठाओ
चलो उठा। वाह कितनी चमत्कार नारी लग रही, बहुत सीधी शादी है तुम। गोल मटोल मुंह है, नाक रखी हुई है छोटी सी, दोनों आंख है, दांत बहुत अच्छे लग रहे तुम्हारे। मुंह बना के दिखाओ, बना लेती हो मुंह बना के दिखाओ, गुस्सा मत करो। नहीं आता मुंह बनाना। बना के तो दिखाओ, कैसे कर दिया तुम, कल बनाना। छेड़ा मुझे? नहीं मैं मैंने छेड़ा, अब खैर कोई बात नहीं। अब ना मेरे गाल को छुआ? अरे मैं ऐसे वो कर लेता हूँ, मजाक कर लेता हूँ मैं। मजाक मजाक में ही नहीं, आगे क्या कर जाओगे? आनंद ले लेता हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही आनंद ले मिल जाते हैं तुम्हें? ऐसा है, अब आगे से ऐसा करना कि अब कोई भी परेशानी हो, अगर बुड्ढा कुछ भी कहे मुझे बताना। हीरो बन रहे हो ना, अब तुम्हारी बीवी से शिकायत करूंगी मैं। अब तुमने मुझे छेड़ा, बीवी ने आज गाल पे हाथ लगाया। मेरी बीवी नहीं है। हाँ? मतलब शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई। पर रह कैसे पाते हो? कैसे रह पाते हैं? रहने वाले रहने हैं। अच्छा, पर सुनो जमीन जायदाद बहुत है मुझमें, ऐसा मत समझना नंगा फुक्का नहीं हूँ मैं, पहन रहा हूँ तो तुम समझो बहुत जमीन है। नहीं दिखने से तो नंगा फुक्का ही सही लग रहे हो। चुप करो, बहुत जमीन है मुझमें, क्या समझ। मेरी गलती नहीं, दिखने से लग रहे हो। हाँ, दिखने से लग रहा हूँ लेकिन पर है नहीं, अंदर से दिल बहुत साफ है मेरा। अच्छा हाँ, तो दोस्ती पक्की? दोस्ती करनी, दोस्ती करोगी तुम मुझसे? हाँ। अरे हाँ, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मैं ही तुम्हारी तुम्हारा हमदर्द बनूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। अरे हाँ, मतलब बड़े मुलायम हाथ है तुम्हारे। वो तो है, ठीक है तो फिर दोस्ती पक्की है। अब आगे तो कोई भी काम हो मुझे बताना, रसमलाई लड्डू बर्फी सफेद रसगुल्ले खाने मुझे बताना। सफेद रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है, जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी ने खाए थे। मम्मी ने जब ही रसगुल्ले जैसे मुंह तुम्हारे। वो तो है, ठीक है ठीक है, रसगुल्ले जैसी हूं। ठीक है अच्छा मैं चलती हूं। अच्छा तुम चलो, घूंगा डालो, तुम्हें कुछ दिया गया नहीं मेरे अलावा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी नजर ही पड़ेगी मेरे ऊपर। बस बस बस, ठीक है। क्या गाली दे रही हो? मैं टाटा कर रही हूं, टाटा। पिताजी तुम, खैर तुमसे अब क्या घूंघट करूं, तुम्हें शर्म नहीं आई? किस बात की? किस बात की? मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ और साड़ी ठीक कर रही थी, पीछे से आके चुपचाप आ गए। साड़ी ठीक कर रही थी, अब मुझे तो दिखाई नहीं दिया कुछ। दिखाई, अंधे हो गए हो तुम? हाँ, शाम को 6 बजे के बाद मुझे दिखना बंद हो जाता है। फूट तो नहीं गई तुम्हारी? फूटती नहीं है, बस दिखना बंद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चल इन सब बातों को छोड़, चल खाना बना ले खाना। हाथ मत लगा मुझे, ये तो दिख रहा है। क्या है ये थप्पड़ ना दिख रहा है? हाँ? नहीं एक मारूंगी खींच के। कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही। ये छिनर बनाना बंद कर दो, बता रही हूँ, वरना इसी लठिया से तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी बात प्यार से मान ले, तेरा फायदा ही फायदा है। मुझे नहीं कराना अपना फायदा, ठीक है? जाके किसी और करवा ले, करवा ले, चमेली फायदा करवा दे, करवा दे। खटिया पड़ी है देख, तुझे नहीं पढ़ने दूंगा। बताऊँ तो मैं भी है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, बता बताओ। मानने की जरूरत क्या है? तो नहीं करवा रही तो मत करवा, वैसे भी तूने घूंघट हटा लिया, ये बात ध्यान रखियो, तूने मेरी बेइज्जती करी है लटिया उठाकर थप्पड़ दिखा के। अब मैं तुझे ना तो खेत में से दूंगा ना मकान में से दूंगा, तुझे धक्के मार के निकलवाऊंगा अपने लड़के पे। हाँ तुम होते कौन हो हमें घर से निकलवाने वाले? तुम तो खुद हमारी रोटियों पे जी रहे हो। अरे सुक्का बेलुआ। हाँ और बढ़िया है? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। कहाँ रह रहा है भाई तू आजकल? अरे यार मैं कहीं नहीं रह रहा, मैं 3-4 दिनों से खेतन पे पानी लगा रहा हूँ। 3-4 दिनों से खेतों पानी लगा रहा था है? अच्छा हाँ। अरे यार एक बात बताओ यार, एक बात हाँ, समझ में नहीं आती मेरी है, तू है इतने दिनों से खेतों पे था हाँ। है तेरे पिताजी है कहा, तेरी है भाभी को लेके आ गए? भाभी को लेके तेरे बड़े भैया की बहू को आए, पर तूने अपनी बहू क्यों नहीं बुलाई? अरे यार जी तो समस्या है, पूछ मत देख, अभी खाना खाने जा रहा हूँ तो उन्हें टाल दो कचल में, देख खेतन पर रोटी पहुंचा दूंगा, भाभी आ गई तेरी। वो आने नहीं देंगे भाई, मेरी बहू को बुला के ना ला के तेरे को। तेरे पापा छेल छबीला है, रसीले हैं वो। मैं तो जानता हूँ, मेरे को रोटी नसीब में रही 3-4 दिन से, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो ये समझ ले, अब तो चलो एक आध दो बार हो ही जाती है, आने वाले समय में रोटी को तो छोड़ लाला, बर्तन भी नसीब नहीं होंगे तुझे। मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेहनत कर, वो तो ये चाहते हैं कि तू मेहनत करे, घर पे ना आवे, खाना ना खावे, बता है नहीं है?
चल वो तो है, लेकिन अब मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बहू को बुला के लाओ। अरे अपनी बहू को बुला ले, कम से कम इतना तो हो जाएगा। भले हो सके तो मैं खुद ही जाऊंगा, मैं पानी लगा के खेतन पे। अपने अपने पिताजी को मत भेजना, मैं तुझे बता रहा हूँ, छल छवी ले बहुत ज्यादा। नहीं जाऊंगा तो ठीक है। पहली बात तो वो जूते खाते डोलते हैं, सैंडल खाते डोलते हैं, वो वाली बात सही है यार। बात सही है, खेतन को कौन देखेगा? अब पिताजी है, उनको तो नहीं देखा। वाली से उनको खाली नोट गिनवा दो, नोट गिनवा। मेहनत कर रहे हैं बच्चा, हाँ बच्चा बड़े वाले हैं तो वो बाहर हैं। हैं? चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हंसे मत। ये भी यार एक बात बताऊँ, वैसे अपने पिताजी को तो समझाना चाहिए, इसको अपनी बीवी को लाना चाहिए, लेकिन ये भी ठस्सू है, उन्होंने भेगा दिया और चला गए।